सिंगरौली जिले में स्थित एनटीपीसी विंध्याचल पावर प्लांट देश में बिजली उत्पादन करने के मामले में सबसे बड़ा है। एनटीपीसी विंध्याचल के ईडी सुभाष चंद्र नायक ने बताया कि पावर हाउस से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड के इफेक्ट रोकने के लिए भी बड़े प्लान पर काम कर रहे हैं। बिजली उत्पादन के मामले में एनटीपीसी विंध्याचल पावर प्लांट देश में सबसे आगे है। अब एनटीपीसी विंध्याचल पावर प्लांट के पास कार्बन डाइऑक्साइड के इफेक्ट रोकने के लिए बड़ा प्लान है। इसके लिए प्लांट के ईडी सुभाष चंद्र नायक ने कहा कि यहाँ हाइड्रोजन प्लांट व ग्रीन मिथॉल की जल्द स्थापना की जाएगी। एनटीपीसी विंध्याचल क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, ऐश यूटिलाइजेशन, गरीब प्रतिभावान बच्चों के लिए कोचिंग, खेल, रोड, पानी, सड़क, हेल्थ, हर दिशा में एनटीपीसी विंध्याचल काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि सभी का साथ, सभी का विकास, सभी का विश्वास ही हमारा उद्देश्य है। हमारा मिनिमम स्टॉक जो है इस सीजन के लिए 17 दिन का होना चाहिए। अभी जब हमारे पास जो है कम से कम 25 दिन का स्टॉक है, तो इसलिए उम्मीद है कि हम बढ़िया से मैनेज करेंगे। और हम लोग भी जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्टर ऑफ पावर का जो हम लोग का जो एक इच्छा निर्देश है कि अप्रैल महीने से अनवर्ड हमको कोई भी पावर प्लांट को शटडाउन नहीं लेंगे, क्योंकि उस टाइम में भयंकर जनरेशन मतलब डिमांड रहेगा, तो उसको नज़र में रखते हुए हम लोग भी प्रिपेयर है। और हम जैसे अविरत जो है जनरेशन करते रहेंगे। ईडी नायक ने कहा कि सिंगरौली की राख को गल्फ कंट्री, अफ्रीकन कंट्री, बांग्लादेश तक सड़क मार्ग और रेल मार्ग से बंद कंटेनरों के जरिए भेजने का प्लान है। स्वच्छ वातावरण और बेहतरीन पर्यावरण के लिए हर तरह के संभव प्रयास किए जाएंगे। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।